नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए, किसी को बहुत बड़ी खबर मिल जाए। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं, जो कि हरियाणा सरकार का कह सकते हो बहुत बड़ा झटका मिला है। बिजली बिल को लेकर, जो कि पहले तो कह रहे थे भी प्रीपेड मीटर लगने हैं, अब बिजली बिल को लेकर, बिल को लेकर है जी, मीटर की तो अलग ही बात है, बिल जो आते हैं आपके घरों में उसके रिलेटेड बहुत बड़ा झटका दिया है, बहुत बड़े आदेश जारी किए हैं गवर्नमेंट ने। ठीक है, अगर इस आदेश का पालन नहीं किया तो इतना बढ़कर आपका बिजली बिल आएगा। ये नए नियम 1 अप्रैल से लागू कर दिए गए हैं। कौन से नियम है पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, कोई भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते हैं आपसे इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। ठीक है जी, और ये देख सकते हो इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर 400 यूनिट से अधिक आपका बिजली बिल खपत होगा तो उसके ऊपर लगेगा FSA। FSA क्या होता है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे, कोई भी स्किप ना करे। अगर मान लीजिए 400 रुपये बिजली बिल आपका आया है, ठीक है, 400 यूनिट अगर आपने 2 महीने में खर्च किया है, अगर उसमें 1 यूनिट भी एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कि 401 यूनिट हो जाता है, तो आपको एक तो 200 के करीबन यानी कि 188 रुपये 47 पैसे अलग लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद बिल का भी जो रेट है वो भी बढ़कर आपका लगने वाला है। कि क्या पूरी डिटेल में बात आपसे शेयर करने जा रहे हैं। ठीक है जी, ये देख सकते हो 40% उपभोक्ताओं पर पड़ेगा इसका बोझ। बिजली निगम की तरफ से अभी 2 माह का बिल भेजा जाता है, FSA उन उपभोक्ताओं को नहीं लगेगा जो प्रति माह 200 यूनिट ही प्रयोग करते हैं, यानी उनको 400 यूनिट तक छूट रहेगी। यदि कोई 400 यूनिट का प्रयोग करते हैं तो उस पर FSA चार्ज नहीं लगेगा, उस पर बिजली रीडिंग पर यह पैसा लिया जाएगा। ठीक है जी, और 40% जो उपभोक्ता है उस पर FSA के दायरे में आएंगे। ये 1 अप्रैल से लागू किए गए हैं नियम जी। ठीक है जी, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम हिसार की तरफ से अमित खत्री जी ने ये नियम लागू किए हैं। ठीक है, प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन HERC के आदेश पर बिजली निगम ने 2 साल बाद दोबारा फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट यानी FSA लगा दिया है। ठीक है जी, FSA क्या है, फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट। ठीक है जी, एडजस्टमेंट ये चार्ज लगा दिया है। यह प्रति यूनिट आपको रहने वाला है, यह प्रति यूनिट 47 पैसे लगेगा। यह आदेश दक्षिण और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं के पर 1 अप्रैल से 30 जून तक 2024 तक लागू रहेगा। इसके अलावा अगर बिजली के ट्रैफिक में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो इसके अलावा बिजली के ट्रैफिक में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसमें सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इससे पहले 1 सितंबर 2021 को आदेश जारी हुए थे, तब 35 पैसे FSA यानी कि जो फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट है वो आपका 37 पैसे बढ़ाकर कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया था। और मौजूदा समय पर FSA उन भुगतानों को लगाया जाएगा जिनका बिल प्रति माह 200 यूनिट से ज़्यादा आता है। ठीक है जी, और ये देख सकते हो ये 2 ट्रैक का ट्रैफिक प्लान होता है, जो कि 0 से 50 यूनिट 2 रुपये, 51 से 100 यूनिट 2.5 रुपये, और 150 से 0 से 150 यूनिट के बीच में अगर आता है आपका बिल आता है तो 2 रुपये 75 पैसे, 151 से 250 यूनिट के बीच में बिल आता है तो यूनिट खपत होती है तो 5 रुपये 25 पैसे, 251 से 500 यूनिट आता है तो 6 रुपये 30 पैसे, 501 से 800 के बीच में आता है तो 10 पैसे पर यूनिट रहेगा, और 801 से ऊपर भी अगर आपकी रीडिंग आती है तो खपत आती है तो आपका 7 रुपये 10 पैसे आपको सभी रीडिंग पर लगेगा। यह ट्रैफिक प्लान प्रति माह का बिजली का है। ठीक है, जो मैंने आपको शुरुआत में बात बताई है, ये देख सकते हो ये स्थिति है ग्रामीण में, जो इतने बिजली के कनेक्शन है, अर्बन में इतने हैं और उत्तर हरियाणा में इतने हैं, दक्षिण हरियाणा और उत्तर हरियाणा की लिस्ट है।
जो मैं आपको ट्रैफिक प्लान बताया है ये मेन चीज़ यहाँ पर आपको पूरी समझा देते हैं। यानी कि यदि आपके घर पर 400 यूनिट 2 माह में खर्च करते हो तो आप बिल का बिल सामान्य दिनों की तरह आएगा, यानी कि जो पहले आता है, ठीक है। अगर आपकी तरह से 401 यूनिट यानी कि एक भी यूनिट 400 से ऊपर गया तो आपके बिल में 188 रुपये 47 पैसे की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 200 रुपये मान लीजिए, 188 रुपये 47 पैसे आपके खाते में एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, ठीक है जी। और कारण ये है कि 401 यूनिट होने पर के बाद FSA पूरी रीडिंग पर उपभोक्ताओं को देना पड़ेगा, पूरी की पूरी रीडिंग पर ही आपको FSA देना पड़ेगा, ठीक है जी। ये बहुत बड़ा धमाका सरकार की तरफ से, ऐसे कह सकते हो बोझ बढ़ा दिया गया है हर एक पर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर किसी के कोई पार्टी वगैरह होती है या कोई मशीनें आजकल हर एक घर में होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का वर्क बहुत होता है, जैसे फैंस वगैरह हो गए, हीटर वगैरह हो गए, तो इस पर बिजल आपका बढ़ने वाला है, ठीक है जी। अगर 400 यूनिट से ज़्यादा खपत होगी तो आपका सुरचार्ज चार्ज ज़्यादा लगेगा, फ्यूल सुरचार्ज एडजस्टमेंट चार्ज भी ज़्यादा लगेगा, तो रीडिंग आप इसलिए कंट्रोल में चलिएगा। आपका ये 30 जून से सॉरी 30 जून तक अप्लाई कर दिया गया है 1 अप्रैल से, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत बड़ी मिली है। अगर इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपा करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।